भारतीय टीम ने जीता। टॉस शुरू हुआ एशिया कप 2023 का महामुकाबला पाकिस्तान और टीम इंडिया भिड़ेगी एक दूसरे के आमने सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 का तीसरा महामुकाबला शुरू हो चुका है। इस मुकाबले को लेकर दोनों टीमें मैदान पर उतर चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या रणनीति दोनों टीमों की है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि यहां पर इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट क्या रहेगी। इसके साथ ही हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे। इसके बारे में भी तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि एशिया कप 2023 के इस महामुकाबले में टीम इंडिया शानदार परफॉर्मेंस करे और एशिया कप 2023 की विनर टीम बने तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले के बारे में। तो एशिया कप 2023 का ये तीसरा महामुकाबला जो कि पाकिस्तान और टीम इंडिया के बीच होने जा रहा है, इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर हमें देखने को मिलेगी। जहाँ पर हम बात करें पाकिस्तान की टीम की, तो पाकिस्तान की टीम ने पहले मैच में नेपाल को हरा चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पर टीम इंडिया का ये पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होने जा रहा है। दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में 4 साल के बाद आमने सामने हो रही है। इससे पहले इनका आखिरी पीड़ित हुई थी जो कि वर्ल्ड कप 2019 में। हम बात करें यहाँ पर दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में, तो यहाँ पर ओवरऑल भारत और पाकिस्तान के बीच 132 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से भारत ने यहाँ पर 55 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज करी है। तो वहीं पर पाकिस्तान की टीम ने 73 मैचों में जीत हासिल करी है। 4 मैच यहाँ पर बेनतीजा भी देखने को मिले। वनडे एशिया कप में दोनों टीमें आखिरी बार 2018 में भिड़ी थी, तब इनके बीच 2 मैच खेले गए थे और दोनों में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज करी थी। तो ऐसे में यहां पर इस मुकाबले में टीम इंडिया बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए मैदान पर उतरेगी। श्रीलंका में दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीता था। श्रीलंका में एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच में हमें 3 बार पीड़ित देखने को मिली। एक एक बार दोनों टीमों ने यहां पर शानदार जीत हासिल करी थी। एक मैच जहां पर बारिश के कारण बेनतीजा देखने को मिला था। हम बात करें यहां पर टॉप स्कोर के बारे में, तो टीम इंडिया की तरफ से सुमन गिल, विराट कोहली, इसके साथ ही कुलदीप यादव के ऊपर सबकी निगाहें टिकने वाली हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम की तरफ से हरीश रऊफ, फखर जमान और बाबर आजम जो कि कमाल का परफॉर्मेंस कर चुके हैं। तो ऐसे में यहां पर इस मुकाबले में भी कड़ी टक्कर दोनों टीमों के बीच हमें देखने को मिलेगी। हम बात करें पिच रिपोर्ट के बारे में, तो यहां पिच पहले बल्लेबाजी को अच्छी मदद देती है। तो यहां पर पहली पारी का औसत स्कोर जो कि 250 रन है। पिच शुरुआत में सिम गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकती है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा इससे स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। तो ऐसे में यहां पर टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करेगी। हम बात करें दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, तो सबसे पहले पाकिस्तान की टीम की हम बात करें तो इस टीम के कप्तान जहां पर बाबर आजम है, तो इसके अलावा फखर जमान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, मोहम्मद नवाब, नसीम शाह, साइन साई अफरीदी और इसके साथ ही हारिस रऊफ जो कि यहां पर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है। दूसरी तरफ टीम इंडिया की हम बात करें तो भारतीय टीम के कप्तान जहां पर हिटमैन रोहित शर्मा मौजूद रहेंगे, वहीं पर इसके अलावा सुमन गिल, विराट कोहली, सर्रेस अय्यर, ईशान किशन जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे, तो वहीं पर हार्दिक पांड्या, जडेजा, इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी या फिर शार्दुल ठाकुर में से किसी एक को मौका मिलेगा। तो वहीं पर मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव भी टीम इंडिया का हिस्सा रहने जा रहे हैं। तो ऐसे में यहां पर इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर हमें देखने को मिलेगी। हम बात करें इस मुकाबले के शुरू होने के समय के बारे में, तो यह मुकाबला केडी में भारतीय समयानुसार दोपहर के 3 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले का टॉस जो कि भारतीय समयानुसार दोपहर के 2:30 पर शुरू होने जा रहा है और इस मुकाबले को आप लाइव देख सकेंगे यहाँ पर डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर, इसके अलावा स्टार स्पोर्ट्स पर।